पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यूपी के संभल में पशु तस्करों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि गोवंशीय पशुओं के कटान की सूचना पर पहुंची पुलिस पर गोकशी के आरोपियों ने हमला बोल दिया, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक तस्कर को घेराबंद कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं दो अन्य आरोपी फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश में लगी है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। पुलिस पर हमला करने वाला पूरा मामला संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर देव में हुआ, जहां पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि गांव के जंगल में पशु तस्कर गोवंशीय पशुओं का कटान कर रहे हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तस्करों की घेराबंदी शुरू कर दी। खुद को पुलिस के घेराव से देख गोकशी करने वाले आरोपियों ने पुलिस के एक सिपाही पर हमला बोल दिया, जिसमें थाने का एक सिपाही, जिसका नाम सौरभ बताया जा रहा है, उसको धारदार हथियार से लहूलुहान कर तस्कर भागने लगे। इस बीच पुलिस के हत्थे एक तस्कर चढ़ गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं दो अन्य आरोपी भागने में सफल रहे। कोतवाली प्रभारी सतीश कुमार आर्य ने बताया कि एक आरोपी हरुण को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके फरार दोनों साथियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। उन्होंने बताया कि तस्करों के हमले में एक सिपाही सौरभ भी घायल हो गया है, जिसका इलाज जारी है। क्या हुआ था पूरा पूरी बात बता। गोश्त बना रहे थे, गोश्त बनाते पे आपका स्टाफ पहुंच गया, उन्होंने डाल दिया। फिर चाय का गोश्त बना रहे, चारों बजे गाँव पर। फिर क्या हुआ? ये पकड़ गया। कितने लोग थे तुम? तीन। अच्छा, किसी पुलिस वाले के साथ भी तुमने बदतमीजी की, मारपीट की है? हमने नहीं की सर। और किसने की थी? हमने नहीं। तुम्हारे साथी ने की थी? हाँ, उन्होंने ये नहीं कहता, उन्होंने करी हो, छक्के भागे हो। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर के द्वारा कि फतेहपुर देव गांव के जंगलों में गौवंशीय पशुओं का कुछ व्यक्तियों द्वारा कटान किया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा वहां पर मौके पर दबिश दी गई, जिसमें एक व्यक्ति हारून गिरफ्तार किया गया है और दो व्यक्ति वहां से मौके से फरार हो गए थे। उसी हाथापाई में एक व्यक्ति द्वारा शायद छुरी से उसके ऊपर, हमारे कांस्टेबल के ऊपर हमला किया गया, जिसमें उसको चोट आई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हमारा थाने का सिपाही सौरभ